Well, namaste, sashikal, vadakam, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. आज हम vocabulary discuss करेंगे. Vocabulary related to environment. Environment के ऊपर बहुत सारी vocabulary है जिसको आप अपने writing task 2 में, speaking में, अगर कोई वैसे भी student कोई normal classes में भी पढ़ रहा है, किसी को ऐसे लिखना है, किसी को article लिखना है, किसी को letter लिखना है, या कोई अपनी research कर रहा है environment के ऊपर, या किसी post grad बच्चे को environment के ऊपर कोई article लिखना है, तो ये सब लोगों के लिए beneficial है, क्योंकि मैं environment के related almost सारी vocabulary cover करने की कोशिश करूंगी. Let's start with our first word, flora and fauna. Flora होता है flowers, fauna होता है animals. So flora is flower, fauna is animals. Next, endangered species or extinct species. ध्यान से सुनना. Endangered species वो species होते हैं जो almost खत्म होने वाले होते हैं, जिसकी species या जिसकी प्रजाति बस खत्म होने ही वाली है. But extinct होते हैं जो खत्म हो गए, जो बिल्कुल खत्म हो गए, उनको बोलते हैं extinct species. Species होते हैं type of animals, प्रजाति. So extinct होते हैं बिल्कुल खत्म हो गए, और endangered होते हैं almost खत्म होने वाले होते हैं. Next, species of animals, वही प्रजाति animals की, जैसे tiger, lion, leopard, dog, wolves. जैसे dinosaurs extinct हो गए, और कुछ देर पहले tigers endangered थे, जो हमारी government ने बहुत सारे rules and regulations बना के उनको बचाया. So extinct बिल्कुल खत्म, endangered जो almost खत्म होने वाले हैं, और species होता है प्रजाति. Species plants की भी हो सकती है, plants की प्रजातियां. Species animals की भी हो सकती है, species birds की भी हो सकती है. Next, environment मतलब हमारा सारा कुछ आसपास वाला, जो भी हमारे nature में आता है, जो भी चीज exist करती है उसको बोलते हैं environment. Surroundings होती है हमारे आसपास के चीजें, हमारी सराउंडिंग्स. हम कैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं, हम अच्छी सराउंडिंग में रह रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में कौन रहता है, तो उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स. नेक्स्ट इज नेचर. नेचर यू नो गाइस, यू गाइस नो प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर, विंड, ये सब चीजें नेचर है जो भगवान ने बनाई है, दैट इज नेचर. आर्टिफिशियल होता है जो हम लोगों ने बनाई है. नेक्स्ट जू. जू होता है जहां पे हम एनिमल्स को रखते हैं, बंदी बना के रखते हैं. We take away their freedom, या लोगों को entertain करने के लिए, मतलब जो zoo होते हैं जहाँ पे हम animals को रखते हैं कोई research करने के लिए, या वहाँ पे दो animals की care भी होती है, but animals are supposed to live in the forest in open areas. But zoo जहाँ पे हम animals को रखते हैं. अब zoo का synonym होता है captivity. Captivity भी वही होता है कि जहाँ पे animals को बंदी बना के रखा जाता है उसको बोलते हैं captivity या zoo. उसके अलावा बंदी एनिमल्स को बोलते हैं कैप्टिव एनिमल्स. जो एनिमल्स जू में होते हैं दे आर कॉल्ड कैप्टिव एनिमल्स. हैबिटेट. हैबिटेट, हैबिटेट बेसिकली होता है एनिमल्स के रहने की जगह. जहां पे एनिमल्स रहते हैं हैबिटेट, जहां पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं शेल्टर. तो एनिमल्स के शेल्टर को, एक्चुअल वर्ड में एनिमल्स के शेल्टर को हम हैबिटेट बोलते हैं. बर्ड्स. बर्ड्स यू गाइस ऑल नो, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो मौसम के बदलने पे एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. नेक्स्ट कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बिवोरस. कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. हर्बिवोरस होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. और ओमनिवोरस होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश मीट भी खाते हैं. अब इसको ध्यान से समझना. लैंड एनिमल्स होते हैं टर्शियल एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, मेरीन एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स. और जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं वी कॉल इट एम्फीबियंस. वी कॉल इट एम्फीबियंस. ओके. वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगली जानवर. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हमारे स्ट्रीट्स पे भी रहते हैं, हमारे घरों के पास रहते हैं, जैसे काउ, डॉग, इन सबको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बोलते हैं, जिसको हम घर पे रख के पाल भी सकते हैं. घर पे जैसे डॉग्स को हम घर रख सकते हैं, कैट्स को हम घर रख सकते हैं, बर्ड्स को हम घर रख सकते हैं. सो दे आर डोमेस्टिक. वाइल्ड होते हैं जंगली.
दो चीजें नेचुरल रिसोर्सेज जो भगवान ने बनाई है, जैसे वाटर, विंड, सॉइल, एयर, ये सब चीजें क्या है? नेचुरल. आर्टिफिशियल जो हमने बनाई है, डैम्स, केनाल्स, ओशन भगवान ने बनाया है, समुंदर भगवान ने बनाया है, पर जो ये डैम्स बने हैं किसने बनाए हैं? मैन ने. सो मैन मेड रिसोर्सेज आर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आर गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज. ओजोन लेयर, ओजोन लेयर ना एक इनविजिबल लेयर है जो हमारे अर्थ के ऊपर है. वो पता है क्या करती है? जो भी ना यूनिवर्स से, जैसे सन से कोई बैड रेज आती है, अब सन धूप तो देता है बट उसके साथ साथ गैसेस को भी रिलीज करता है ना, तो जो कोई ऐसी गैसेस है जो हमारे हमारे बॉडी को नुकसान करेगी, वो कौन, उस गैसेस से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर. वो एक शीट है जो दिखती नहीं है, वो हमारे अर्थ के ऊपर है, जो अर्थ के ऊपर है और वो हमें प्रोटेक्ट करती है. अब इस पे बहुत बड़ी डिबेट है कि पोल्यूशन के कारण वो खराब हो रही है लेयर, और अगर इसी तरीके से वो खराब होती रही, भाई साहब हमारा हमारा एंड नियर है भाई. तो ओजोन लेयर इज एन इनविजिबल शीट दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड बाय द सन सच एज अल्ट्रावायलेट रेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यू होते हैं जो दोबारा दोबारा बनते रहते हैं, रिन्यूएबल होते हैं मतलब एक बार अगर आपको उसको यूज कर दिया तो वो दोबारा जल्दी से बन जाते हैं. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, वंस यूज्ड टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू बिकम न्यू अगेन. जैसे वाटर है, वाटर कितनी देर में बना है, अब वाटर कितना कम हो रहा है, अगर ये कम हो गया तो ये खत्म हो जाना है, फिर हमें मिलियन ऑफ इयर्स वेट करना पड़ेगा नए वाटर के लिए, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है. सो वाटर को प्लीज कम यूज करो, बिकॉज दैट इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो जल्दी से दोबारा दोबारा बन जाते हैं. इरोजन, खराब होना, जैसे सॉइल खराब हो गई, सॉइल इरोजन, बट सॉइल उपजाऊ है, फर्टिलिटी. सो सॉइल जब अच्छी है उपजाऊ है, फर्टिलिटी, बट जब सॉइल खराब हो गई, सॉइल इरोजन. बहुत अच्छा वर्ड है ये, बायोटा. बायोटा होता है स्पेसिफिक एनिमल्स लिविंग इन स्पेसिफिक रीजन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे वाटर एनिमल्स सो मेरीन बायोटा, लैंड एनिमल्स लैंड बायोटा. सो दीज स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल्स आर नोन एज बायोटा. बायोटा से याद आया हमारा लास्ट वोकैबुलरी वर्ड, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक क्या होते हैं? नेचुरल. अबायोटिक क्या होते हैं? आर्टिफिशियल. बायोटिक मतलब जो चीजें सांस ले सकती हैं, जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, होते बायोटिक. नॉन बायोटिक होते हैं जो सांस नहीं ले सकते, जो नॉन लिविंग होते हैं. अबायोटिक होते हैं जो सांस नहीं ले सकते, जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे वॉटर, एयर, विंड. दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ एनवायरमेंट. सो इफ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.